बोलिए आदिनाथ भगवान की, वर्तमान शासनाधीश भगवान महावीर स्वामी की, समय संस्कृति संवर्धक आचार्य देव विद्यासागर जी महाराज की, परम पूज प्रमाणिक संत महामना मुनिराज प्रमाण सागर जी महाराज की, परम पूज अरह सागर जी महाराज की, अहिंसामयी जैन धर्म की, रामगढ़ की पावन पवित्र धरा, जहां 20 से 26 मई तक अत्यंत विशाल पाषाण मंदिर का भव्य पंचगण प्रतिष्ठा महोत्सव होना है, जिसमें परम पूज्य आचार्य भगवान विद्यासागर जी महाराज के परम प्रभावक शिष्य महामना मुनिराज प्रमाण सागर जी अरह सागर जी अपनी सन्निधि प्रदान करने के लिए आ चुके हैं। उनके सुसानिध्य में हम प्रत्यक्ष तौर पर उपस्थित होकर के अपनी शंकाओं के समाधान प्राप्त करने के लिए आतुर हैं, और साथ ही आतुर हैं वे सब जो पारायण चैनल के माध्यम से अपने घरों में बैठकर अपनी शंकाओं के समाधान प्राप्त करते हैं। इन सबका मैं वंदन वंदन करता हुआ आप सबको संबद्ध कर रहा हूँ गुणातन प्रणेता शंका समाधान प्रवर्तक भावना युग प्रवर्तक एवं संप्रक समय महामना मुनिराज प्रमाण सागर जी चरणों से। मैं चाहता हूँ कि गुरुदेव का वरदहस्त हमें आशीष के रूप में प्राप्त हो, अतः मेरे साथ उच्चारें नमोस् तुम्हारा श्री, नमोस् तुम्हारा श्री, नमोस् तुम्हारा श्री। सत्य और संस्कृति का सजा भव्य वितान कदम मिलाकर बह चले धर्म और विज्ञान, आत्मविकास का दिव्य सदन गुणायतन, निरंतर गुणायतन से जुड़ करके अपनी उदारता का परिचय देने वाले सभी गणमान्यों का, सभी उदार मनाओं का मैं इस मंच के माध्यम से बारंबार वंदन करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। आज हम उनके कारण ही इतनी बड़ी सफलता को प्राप्त करने के सम्मुख हैं, और मैं निवेदन करता हूँ आप सबसे कि आप गुणायतन आए, गुणायतन देखें, जाने परखें, गुणायतन से जुड़कर के अपने जीवन को धन्य करें, अपने जीवन की योजना को सफल बनाएं। आइए हम चलते हैं शंका समाधान के सत्र की ओर। प्रथम प्रश्न के लिए आमंत्रित कर रहा हूँ श्री नीलम जी, श्रीमती नीलम जी पुत्री यशस्वी जैन के साथ रामगढ़ से। नीलम जी उपस्थित हों अपनी बिटिया यशस्वी के साथ। नमोस्तु महाराश्री, नमोस्तु नमोस्तु। मेरी शंका ये है महाराश्री कि जैसे भक्तामर जी बोलते हैं हम लोग रिद्धि मंत्र के साथ मंदिर में तो दीपक जला के करते, वही चीज़ हम लोग घर में भी करते हैं, तो करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? देखिए मंदिर का काम मंदिर में करना चाहिए, घर का काम घर में करना चाहिए। भक्तामर का पाठ कहीं भी कर सकते हैं, पर विशेष अनुष्ठान मंदिर जी में ही उचित। ठीक, चलिए अगला। यशस्वी नमोस्तु महाराष्ट्री, तैयार है श्रीमती श्वेता जी विवेक जी। मेरा प्रश्न ये है कि जब कि मेरी माँ जब पूजा करती है तो बोलती है अर्घम व्यपामती स्वाहा, तो इसका मतलब क्या होता है? अर्घम निर्वपामीति स्वाहा, है ना, मैं अर्घ को निर्वपामी यानी छोड़ता हूँ, समर्पित करता हूँ। किनके चरणों में? भगवान के चरणों में। अर्घ का मतलब क्या होता है? एक प्रकार की भेंट, समझ गए, मूल्यवान निधि को भगवान के चरणों में अर्पित करने का नाम अर्घ भेंट है। तो हम भगवान की जब पूजा करते हैं तो उन्हें कुछ भेंट देते हैं, तो भेंट के लिए अर्घ चढ़ाओ। नमोस्तु महर्षि। ओ अगला नाम। उपस्थित हो रेणु मेवाड़ रामगढ़ से। रेणु मेवाड़ उपस्थित हो, रेणु मेवाड़ तैयार हैं श्रीमान अशोक जी सेठी रामगढ़। रेणु में बड़ा जाए सीखता करें, यहाँ जल्दी आई अशोक जी सेठी रामगढ़ तैयार रहे। महाराष्ट्र को प्रणाम। बाबा मेरा ये क्वेश्चन है कि हमेशा मन उदास या विचलित क्यों रहता है? थोड़ा थोड़ा माइक ठीक से पकड़िए। मन विचलित और उदास क्यों रहता है हर समय? देखिए मन विचलित और उदास होता है कहीं ना कहीं मन की कोई कमजोरी, इसलिए अपने मन को स्थिर रखना चाहते हैं और प्रसन्न रखना चाहते हैं। तो आपको चाहिए थोड़ा सत्संग करें, अपने मन को मोटिवेट करें, और यदि आप भावना योग से परिचित हैं भावना योग करें तो मन में प्रसन्नता आए। ओ श्रीमान अशोक जी सेठी रामगढ़ से उपस्थित हों, तैयार हैं श्रीमती श्वेता जी काला। नमोस्तु नमोस्तु।
श्रद्धेय मुनिश्री के चरणों में सत्सत नमन, नमोस्तु नमोस्तु। मुनिवर, मेरी एक जिज्ञासा है कि हमारे जो मंदिर के शिखर है तथा मान स्तंभ, इनका क्या कोई खगोलीय गतिविधियों से कोई संबंध है क्या? अगर संबंध है तो वो क्या संबंध है? देखिए, मंदिर का जो अपना शास्त्र है, बड़ा समृद्ध शास्त्र है, और इसके साथ एक बहुत बड़ा विज्ञान भी जुड़ा है। ओम 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 ओम, इसके साथ एक विज्ञान जुड़ा है। इसका विज्ञान क्या है? हम जब मंदिर का निर्माण करते हैं, मंदिर का जो शिखर होता है वो गुम्मट के आकार का होता है, उसके ऊपर हम कलश लगाते हैं। गुम्मट के आकार का जो शिखर होता है उसका उद्देश्य तो केवल ये है कि मंदिर में हम जो भी मंत्रोच्चार करें, पूजा अर्चा करें, उसकी ऊर्जा वहीं घनीभूत होकर हम पर बरसे। शिखर के नीचे जाकर हम एक बार ओंकार की नाद करके देखें, देखिए ओंकार की ध्वनि टकरा कर हम पर बरसती है तो कितनी अच्छी अनुभूति होती। इसके साथ उसके ऊपर लगने वाला जो स्वर्ण कलश है और ध्वजा है, वो ब्रह्मांड की सारी सकारात्मक ऊर्जा को ग्रहण करते हैं, और वह ऊर्जा हम सबके जीवन को उद्दीप्त करती है। हमारे शास्त्रों के अनुसार मंदिर में यदि कलश और ध्वजा न हो तो उसकी पूजा अर्चा का कोई विशेष लाभ नहीं मिलता। ये इस बात को प्रमाणित करता है कि ऊर्जा के संग्रह और संचार में इनकी महत्वपूर्ण भूमिका है। उपस्थित हों श्रीमती श्वेता जी काला, तैयार हैं श्रीमती आकांक्षा जी जैन, गाजियाबाद रामगढ़। मुनिराज के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। आज मुनिराज, ऐसा युग चल रहा है जिसमें धर्म के नाम पर लड़ने को सभी तैयार है, लेकिन धर्म के रास्ते पर चलने को कोई तैयार नहीं, ऐसा क्यों? यही संसार, ये कलयुग का प्रताप। एक वाक विचारक ने बहुत अच्छी पंक्ति लिखी थी, लोग धर्म के नाम पर लड़ेंगे, मरेंगे, सब कुछ करेंगे पर जिएंगे नहीं। धर्म के नाम पर लड़ने को तैयार है, चलने को नहीं, ऐसा उनके जीवन में होता है। वो जो धर्मांध है, धर्म को नहीं धारे। धर्मात्मा व्यक्ति लड़ता नहीं, जीता है, और धर्म का आग्रही व्यक्ति उलझ जाता है। कलयुग में धर्म का आग्रह रखने वाले लोगों की बहुलता है, धर्म को आत्मसात करने वाले लोगों की बड़ी अल्पता। हम अपना स्थान आग्रही व्यक्तियों से हटाकर आत्मसात करने वालों में बनाएं, ताकि अपने और जगत के कल्याण में निमित्त बन सके। उपस्थित हों श्रीमती आकांक्षा जी जैन गाजियाबाद से, और तैयार हैं श्रीमान अरविंद जी पाटनी रांची। रांची से अरविंद जी पाटनी तैयार रहें, आगे आ जाएं। दोनों महाराजियों के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, मेरी शंका यह है कि जब किसी पुरुष का देहांत होता है तो उसकी वो 3 या 13 दिन में वो अपने कार्य पे निकल जाता है, लेकिन जब उस महिला के संदर्भ में जब बात आती है कि वो 3-13 दिन के बाद भी उनको लंबे समय तक इंतज़ार, मतलब बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती है कि वो कार्य नहीं कर पाती है, धार्मिक, दैनिक और भी सही कई सारे कार्य ऐसे होते हैं कि उनसे उनको वंचित कर दिया जाता है। देखिए, ये गलत परंपरा है। हमारे यहाँ सूतक तो 12 दिन का ही होता है। अब एक रूढ़ी बना दी गई कि पति का वियोग हो गया तो पत्नी को 40 दिन का शोक है। शोक तो मन का होता है। शास्त्र के अनुसार 12 दिन का ही शोक है, 13वें दिन वो दान पूजा आदि सारी क्रियाएं कर सकती, और 3रे दिन से जिन मंदिर भी जा सकती, इसमें कोई सोचने वाली बात नहीं है, जाया जा सकता। कई जगह रूढ़ीवाद है
तो रूढ़िवाद के कारण लोग इस तरह करते, 40-40 दिन तक नहीं जाने देते। लेकिन उसमें उनका क्या दोष, जाने वाला चला गया, अब उसे थोड़ी रोका जा सकता है। हाँ, ये उसके लिए है जिनका आपस में बड़ा प्रगाढ़ प्रेम, और पति के विछोह को न सह पाने के कारण जो असामान्य स्थिति में, जो बार बार पति में ही खोए हुए हैं, तो उसको भगवान से दूर रखो, ताकि भगवान के सामने भी अपनी पति को न ढूंढे, वो असाधना है। अर्थात जिनकी मनस्थिति अनुकूल नहीं है, वो खुद ही दूर हो जाता, उसको करने की ज़रूरत नहीं। लेकिन जिनकी मनस्थिति अच्छी हो गई, जो तत्व को समझते हैं, उनके लिए 40-40 दिन का आग्रह उचित नहीं है। और मुझे तो लगता है अब ये परंपरा लगभग ख़त्म सी होने लगी है। आपके यहाँ तो नहीं है ऐसा? कहीं कहीं महाराज, यहाँ भी 40 दिन रोकते हैं जी महाराज जी। इसको ओ एक बार में मैं समझ गया ना, ज़्यादा व्याख्या विवेचना की जरूरत नहीं। ये अशास्त्रीय परंपरा है, रूढ़िवाद है, ऐसा नहीं होना चाहिए, इसको नहीं मानना चाहिए। मैं आपको बताऊं, जब मैं अजमेर में था, सोनी जी की हवेली के सामने ही उनका स्वर्ण मंदिर था, जो त्रिलोक चिंतामणि जिनालय स्वर्ण मंदिर बना हुआ, घर में चैत्यालय बनाया। अब वो चैत्यालय क्यों बनाना पड़ा, मैंने पूछा, तो प्रमोद जी सोनी ने मुझे बताया कि महाराज जी, उनके परिवार में किसी की गमी हुई, शायद उनकी दादी जी या और कोई थी, माने दादाजी की गमी हुई, अब उनको 40 दिन तक मंदिर नहीं जाना। बोले मैं मंदिर के बिना खाऊंगी नहीं। तो उनने कहा घर में चैत्यालय बनाओ, भगवान के दर्शन तो करो, पूजन पाठ करके अपना नाम पर काम करो। तो उनने चैत्यालय बनाए, एक लंबे समय तक, अभी तक चैत्यालय कुछ वर्षों पूर्व तक वहीं था। तो ये चीज़ें हैं, ये अशास्त्री है, रूढ़ी है, इस प्रकार रोकना ठीक नहीं है। यदि मन शोक संतप्त है तो ये तो उसकी खुद की मानसिक विकृति है, ऐसे में तो खुद नहीं करे, पर इसे धर्म के नाम पर रोकना ज्यादती। उपस्थित हों श्रीमान अरविंद जी पाटनी रांची से, तैयार हैं रेणु जी चूड़ीवाल रामगढ़। मुनि द्वय के चरणों में सादर नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज श्री, प्रश्न प्रस्तुत करने से पहले क्षमा चाहूँगा, मैं अज्ञानी हूँ, मुझे नहीं मालूम कि यह प्रश्न इस धर्म सभा में करना चाहिए या नहीं, लेकिन मेरी मानसिक स्थिति इन दिनों बहुत ज़्यादा ख़राब है, और मुझे लगा कि यही उचित मंच है कि मेरे गुरुदेव मेरा मार्गदर्शन करें। यदि कोई व्यक्ति जिसने जब से होश संभाला हो तब से अपने परिवार और अपने निकटतम रिश्तेदारों के प्रति तन मन यथासंभव धन और अपना सर्वश्रेष्ठ समय देकर हमेशा निस्वार्थ भाव से सुख दुख में हमेशा आगे रहा हो, यदि उसी व्यक्ति की किसी कारणवश परिस्थितियां विपरीत हो जाती है और प्रतिकूल हो जाती है, और तब उसका वही परिवार और रिश्तेदार यदि उसे हीन दृष्टि और हीन भाव तुच्छ दृष्टि से देखने लगे और हीन भावना से दृष्टि देखने लगे और उसके प्रति यूज एंड थ्रो का व्यवहार अपना ले, तो उसे क्या करना चाहिए, उचित मार्गदर्शन। आपके शब्दों से ऐसा लग रहा है कि आपके हृदय में बहुत गहरी पीड़ा है, ऐसा होना नहीं चाहिए, पर आजकल ऐसा होने लगा है। तो सबके साथ हो रहा है, औरों की बात क्या करें, अब तो लोग माँ बाप को भी यूज एंड थ्रो करने लगे, ये समय की बलिहारी है। तो ऐसे में मैं पहले तो आपको और आप जैसे लोगों को जो इसके भुक्तभोगी हैं उनको संबोधना चाहूँगा कि अपने मन को थोड़ा सकारात्मक दिशा दें, उन्हें दोषी मत माने, वे तो केवल निमित्त मात्र है, दोषी तो मेरा अपना कर्म है।
मेरी परिस्थितियां बिगड़ी है मेरे पापोदय के कारण और लोगों ने मुझसे दूरी बनाई है तो वो भी मेरे पापोदय के कारण। जब मनुष्य का पुण्य प्रबल होता है शत्रु भी मित्रवत आचरण करते हैं और पुण्य छीन होता है तो सगा भी दगा दे देता है। इसलिए किसी को कोशो मत। मेरा जो कर्तव्य था वह मैंने किया, आज मेरे साथ ऐसी विषम स्थिति है, ठीक है, यही तो संसार है। संसार में हर कोई चढ़ते को प्रणाम करता है, गिरते को नहीं। जब धूप तेज होती है तो हमारी छाया भी छोटी हो जाती है, समझ गया। कर्म का तीव्रोदय अभी मेरा है और इस घड़ी में लोग मेरा साथ नहीं दे पा रहे हैं, कोई बात नहीं। एक दिन सबका समय बदलता है, कभी मेरा दिन अच्छा था आज बिगड़ा है तो कल अच्छा भी हो सकता है। मैं अपने भावों को अच्छा बना के रखूँगा, अपने मन को विचलित नहीं होने दे, अपने आप को संभालिए। अभी लोगों के साथ न मिलने से आपको जितना दुख है उससे कहीं ज़्यादा दुख लोगों के साथ की अपेक्षा का है। आप अपने अंदर की अपेक्षा हटा दीजिए और मन में इस बात को एकदम बिठा लीजिए कि अब जो मेरा कर्मोदय है मुझे सहना है, मैं अकेले ही सहूंगा। और एक दिन बदलेगा, आज रात है कल प्रभात होगा, उजाला होगा, क्योंकि कितनी भी लंबी रात हो रात शाश्वत नहीं होती। समय पलटेगा और जब समय पलटेगा तो अपने आप सब कुछ ठीक हो जाएगा। ऐसे अशुभ समय में मैं अपने आप को जितना शुभ में लगा सकूं लगा लूं, जीवन बदलेगा। और मैं आप जैसे एक भुक्तभोगी का उदाहरण आपको देता हूं। एक व्यक्ति के साथ ऐसा ही हुआ जिसने अपने परिवार के लिए बहुत कुछ किया, उसने कुछ नहीं देखा, लेकिन कुछ परिस्थितियां बदली, सब लोग उससे किनारा काट गए। ऐसी स्थिति आई कि उसको 2 जून भोजन की भी व्यवस्था करना कठिन हो गया, लेकिन उस व्यक्ति ने उस घड़ी भी अपना धैर्य नहीं छोड़ा। जैसे तैसे करके उसने अपना गुजारा किया। उसका एक बेटा था और उस समय वह कुल 14 साल का था। उसने कहा अब मेरे पास कुछ नहीं है कि ना मैं कोई व्यापार कर सकूं ना मैं कोई कारोबार कर सकूं, पर मेरे पुण्य के योग से मेरा एक बेटा है, मैं इसे किसी तरह पढ़ा लूं, ये आगे बढ़ेगा तो आने वाले दिनों में अपने आप सब कुछ ठीक हो जाएगा। उस विषम स्थिति में उसने पेपर के ठोंगे बनाए, उसकी धर्मपत्नी पापड़ बेल बेल कर काम किए और अपने 14 साल के बेटे को पढ़ाया। बेटा बड़ा मेधावी था और वो आगे IIT में सेलेक्ट हो गया, उसको स्कॉलरशिप मिली। एक व्यक्ति उसकी प्रतिभा से प्रभावित होकर उसको सपोर्ट भी दिया और वो पूरी IIT करने के बाद माइक्रोसॉफ्ट के लिए सेलेक्ट हो गया और आज बहुत अच्छी पदवी में है। और जैसे समय बदला जो लोग दूर थे ना वह सब पास आने लगे। लेकिन वो आदमी किसी के आगे रोना नहीं रोया। हताश मत हो, अपेक्षाएं हटा दो। आप जब तक ये देखोगे कि अभी मेरे को कोई साथ नहीं दे रहा है कमजोर बने रहोगे, और जिस दिन ये सोच लोगे कि अब मुझे किसी का साथ नहीं चाहिए मैं अकेले ही लड़ूंगा
अपने कर्मों से मजबूत बन जाओ, समझ गए? तो अपने आप को मजबूत बनाओ। जो मेरे पास आज की व्यवस्था है, जो मेरे संसाधन, उसमें मैं जी लूंगा। एक अखबार बेचने वाला भी अपना पेट भर लेता है, एक रिक्शा चलाने वाला भी अपना पेट भर लेता है, क्यों घबराते हो? मेरे ख्याल से तुम्हारे साथ ऐसी स्थिति तो नहीं होगी। हिम्मत रखो और शिकायत की भाषा बंद करो। भाई ठीक है, मुझे किसी से शिकायत नहीं, आज मेरी जो स्थिति है मैं उसमें संतुष्ट हूं। कर्म राजा को रंक बनाता है और रंक को राजा बना देता है। आज कर्म यही खेल खिला रहा है, मैं खेलने को तैयार हूं। जो मेरे पास था वो भी मेरा नहीं, आज है वो भी मेरा नहीं, और भविष्य में जो होगा वो भी मेरा नहीं। मेरा तो बस मैं हूं, जहां ना कोई पाना है ना खोना है। ऐसी आध्यात्मिक विचारधारा से अपने आप को भर लो, तुम्हारी आत्मा में असीम पराक्रम प्रकट होगा, जो तुम्हें न केवल स्थिरता देगा अपितु आगे बढ़ने की क्षमता भी। उपस्थित हो श्रीमती रेणु जी चोड़ीवाल, तैयार हैं श्रीमान विद्या प्रकाश जी छावड़ा रामगढ़। नमोस्तु महाराज जी। हम गर्मियों में अपनी सुविधाओं के लिए सब कुछ कर लेते हैं, लेकिन पशु पक्षियों की तरफ हमारा ध्यान नहीं जाता, कृपया मार्गदर्शन दे। देखिए बहुत ही अच्छे बात, यहीं खड़े रहे खड़े रहे खड़े रहे, बहुत अच्छी बात पर आज आपने ध्यान आकृष्ट किया। मैं हर वर्ष इस तरफ लोगों को ध्यान दिलाता हूँ, इस बार चूक गया। मैं सभी से एक बात कहूँगा, प्रचंड गर्मी है, आप अपने साथ औरों का भी ख्याल करें। अपने घर के छतों पर आप पानी रख सकते हैं ताकि पक्षी आकर के पानी पी सके। रख सकते कि नहीं? थोड़ा सा दाना भी रख दो तो खाना पीना हो जाए। घरों के बाहर अगर सुविधा हो तो हौदे बना दे ताकि मवेशी पानी पी सके। बनी बनाई भी आती हैं, रख दें। थोड़ा सा ख्याल रखना चाहिए, जीव दया की बात है। मैंने पूरे भारत के बहुत हिस्सों में भ्रमण किया, बिहार किया। एक चीज़ जो मैंने देखी, राजस्थान के शेखावाटी में, आप लोग भी लगभग उधर के ही हैं सब, वहाँ मैंने देखा पूरे शेखावाटी में, मैंने बिहार किया लगभग 600 किलोमीटर केवल शेखावाटी में घुमा हूँ। देखिए गाँव गया, वहाँ दो चीज़ें मुझे बेहद प्रभावित की। हर गांव में मुझे गौशाला दिखी, हर गांव में कबूतर खाना दिखा, और कबूतर खाना भी ऐसा जो आज कलोलों में न बन पाए, देखने में महल जैसा, अंदर कबूतर खाना। और घरों के बाहर परिंदा प्याऊ देखा, पेड़ों में लोगों ने परिंदा लगा रखा, उसमें पानी डाल के रखे। तो ये काम करना चाहिए, जीव दया का ये भाव है, इस पर ध्यान रखना चाहिए। मैं राजस्थान में जब डूंगरपुर में था, वहाँ एक भाई रोज स्कूटर से चले, और स्कूटर से चलकर पेड़ों में वो मटके टांग के रखता था, उनमें पानी डालता, सुबह भी डालता और शाम को भी डालता। करीब 4-5 किलोमीटर तक रोड के दोनों साइड, जो मेन रोड है उसमें उसने लगा रखे थे बहुत सारे मटके, और ये नित्य का क्रम था। एक दिन जब मैंने उससे पूछा, जब मैं सुबह जाता था तो वो मुझे मिलता था, एक दिन जब मैंने उससे पूछा, बोला महाराज जब से मेरे मन में ऐसे भाव जगे और मैं जब से इस कार्य में जुड़ा हूँ, तब से मुझे असीम शांति की अनुभूति होती है, और महाराज जी हमारा व्यापार भी दिन दुना रात चौगुना बढ़ा। वो जन्म से जैन नहीं था, सिंधी भाई था, लेकिन वो उसका नित्य का क्रम। बोले मुझे इसके बिना चैन नहीं, मैं इसे ही अपनी पूजा मानता हूँ। तो आप भी जो कुछ कर सके जरूर करें, अपने साथ औरों का भी ख्याल रखें। जितने लोग सुन रहे हैं, कम से कम अपने घर के छतों पर तो पानी की व्यवस्था कर ही दें, और अगर बाहर कर सके तो सोने में सुगंध। आइए श्रीमान विद्या प्रकाश जी छावड़ा रामगढ़,
और तैयार हैं श्रीमान कमल जी पाटनी रामगढ़ से ही। कमल जी पाटनी आगे आ जाएं। दोनों गुरुजनों के चरणों में मेरा बार बार वंदन, बारंबार नमन, बारंबार नमन। आप अकेलो अवतरे मरे अकेलो हो, यूं कभू न इस जीव को साथी सगाने कोई। इसके ओम 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 थोड़ा सा शांति। मैं एक शुद्ध निर्मल अखंड पर द्रव्य से अनेक एकत्व कभी नहीं, जिनको निज को मान लिया मैंने, उनमें भी मेरा एकत्व नहीं। निज स्वय स्वामी संबंध नहीं बने, यह अनुभूति रहे मेरी निज में बन भोगो भव भव की मेटू भव भव की फेरी। देखिए, आपने एकत्व भावना की पंक्तियों को यहाँ पर उद्धृत किया। हम लोगों ने बचपन से जाना है, आप अकेला हो तरे मरे अकेला हो, या कहूँ इस जीव को सागी साथी सगानों को। जब इन पंक्तियों पर हम विचार करते हैं तो अपने आप को एकाकी महसूस करते हैं और ये सोचते हैं कोई किसी का साथी नहीं है, कोई किसी का साथ दे नहीं सकता। लेकिन ये भी व्यवहार की बात है, और ये भाव हमारे हृदय में तब आता है जब हमारे मन में किसी के साथ की अपेक्षा होती है। किसी के साथ की अपेक्षा हो और वो साथ न दे तो मन उदास होता है। तो ये भावना कहती है तो साथ की अपेक्षा भले रख, पर कोई साथ रहने वाला नहीं है, साथ देना भी चाहे तो दे नहीं सकता। इसलिए किसी के साथ की अपेक्षा मत रख। कोई साथ नहीं देता, ये हमारे आरोप की भाषा है। कोई साथ नहीं देता, यह हमारे आरोप की भाषा है। कोई साथ दे नहीं सकता, ये यथार्थ की भाषा है। साथ नहीं देता हम बोलते हैं कि किसी का साथ नहीं देता है क्या? तुम्हारे सिर में दबाओ, दूसरा दवाई लगा सकता है, बाम मल सकता है, तुम्हारे साथ खड़े हो सकता है, तुम्हारे दर्द को ले सकता है क्या? नहीं ले सकता, कोई नहीं ले सकता, बस निमित्त बन सकता है। यही वस्तु का स्वरूप है और यही मनुष्य के जीवन की एक सीमा। तो व्यवहार में ये सोचो कि कोई किसी का साथ नहीं देता, ये बात बहुत दूर की। कोई किसी को साथ दे नहीं सकता। लेकिन जब और गहराई में चले जाओ तो साथ देना और नहीं देना भी बहुत दूर की बात है। मुझे किसी के साथ की जरूरत ही नहीं है, मेरा साथी केवल मैं हूँ। मैं निज से निज का नाता जोड़ूं, सर्व अपेक्षा से मुक्त आत्मा के साथ आत्मा का केंद्रीकरण, एकत्व की अनुभूति अलग अलग तरीके से लोगों को होती है। बेटा बाप से अलग हो गया, उसने अपना घर अलग बसा लिया, किसी बात को लेकर खिचखिच हुई, बाप बेटा अलग, इकलौता बेटा था, अलग हो गया। अब बाप कह रहा है ठीक कहते, आप अकेला उतरे मरे अकेला हो, या कहूँ इस जीव को साथी सगा न कोई। ये एकत्व की अनुभूति है पर उपेक्षा के कारण। बेटे की विदाई की सब सुना सुना लग रहा है, कोई नहीं बचा, अब बिल्कुल अकेला रह गया। अभी तक बेटी का साथ था, अब वो चले गई। ये एकत्व की अनुभूति है राग के परिणाम स्वरूप। एक आदमी गंभीर रूप से बीमार है, उसे अपनी पीड़ा सहनी पड़ रही है, कोई उसकी परिचर्या करने वाला नहीं है, समय पर कोई दवाई भी नहीं दे रहा, परिवार में बहुत लोग हैं, लेकिन लाचारी और बेवसी में अपना जीवन जी रहा है। और वो व्यक्ति कह रहा है
कोई किसी का नहीं है। ये वेवसी की एकत्व की अनुभूति है। अभी आके लोग सेवा करने लगे तो सब उसके हो जाएंगे। ये सब सच्चा एकत्व नहीं है। और एक व्यक्ति वो है जिसके इर्द गिर्द सब है, सेवा शुश्रूषा कर रहे हैं, एक हाथ पर एक पैर पकड़े सब हाथों में लिए, फिर भी अंदर से समझ हो कि बस मैं भीड़ में भी अकेला हूँ, सबके बीच होकर के भी मैं सबसे अलग हूँ, इस भाव बोध का नाम असली एकत्व है। सबके बीच रहते वे भी अपनी स्वतंत्र पहचान को बनाए रखने वाला मनुष्य कभी दुखी नहीं हो सकता, और भीड़ में भी अकेले रहते हैं कि नहीं रहते हैं। बेटे का आईआईटी में सिलेक्शन हुआ, पिताजी पहली बार ट्रेन में छोड़ने के लिए गए, लौट कर आए तो थोड़े उदास से दिखे। पत्नी ने पूछा क्या बात है, बेटे को गाड़ी बिठाल दी? हाँ बिठाल तो दिए, सीट मिल गई, सीट मिल गई, पर आप इतने उदास क्यों? बोले गाड़ी में बहुत भीड़ है, वो अकेला है, पहली बार मुंबई जा रहा है, भीड़ है, वो अकेला है, पहली बार मुंबई जा रहा है, इसलिए मुझे थोड़ा डर लग रहा है सकुशल पहुँच जाए। अब मैं आपसे पूछ रहा हूँ, गाड़ी में भीड़ है फिर अकेला कैसे? बोलो, गाड़ी में भीड़ है फिर भी अकेले है ना, इसका मतलब क्या हुआ? भीड़ है भले पर उसका कोई नहीं है। इस संसार की इतनी बड़ी जमघट है जरूर, पर तुम्हारा कोई नहीं है, तुम्हारे केवल तुम हो। जिस दिन ये अनुभूति हो जाएगी उसी दिन वैराग्य प्रकट होगा और जीवन का रास्ता प्रशस्त। हाँ बोलो। नहीं सह स्वामी संबंध बने, नहीं सह स्वामी संबंध बने, माना ये भूल रही मेरी, निज में एकत्व मान करके मेटूंगा भाव भाव की फेरी। ये सह स्वामी संबंध को कैसे? सह स्वामी संबंध यानी निज का निज के साथ संबंध होना। मैं ही मेरा मालिक हूँ, मैं ही अपना नाथ। हमारे यहाँ एक सूक्त है, अत्तानम अत्तनो नाथ, आत्मा का ही आत्मा नाथ है। एक बहुत अच्छी कहानी याद आ गई, सुनाऊंगा तो बहुत समय निकल जाएगा, लेकिन फिर कभी सुनाऊंगा। आत्मा का आत्मा ही नाथ है, अप दीपो भाव, हम किसी और की अपेक्षा न रखें तो हमारे जीवन का सारा फेर खत्म हो जाए। नमस्कार, आइए श्रीमान कमल जी पाटनी रामगढ़ से, और तैयार रहे ग्वालियर के समय संरक्षक श्रीमान विमल जी, सरिता जी सोगानी अपने परिवार के साथ रांची से। अभिनंदन करें, तालियां बजाकर इनका, ये आज यहाँ उपस्थित हैं गुरुदेव चरणों में। रांची श्रीमान विमल जी, सरिता जी सोगानी। नमोस्तु महाराज श्री। इटालियन फूड, चाइनीज फूड, साउथ इंडियन फूड विश्व पटल पर अपनी पहचान बनाई हुई है। इसी प्रकार जैन फूड ने भी विश्व पटल पर अपनी पहचान बनाई हुई है। यदि हम किसी रेस्टोरेंट में जाते हैं, जैन फूड मांगते हैं, तो हमें बहुत सम्मान की दृष्टि से खाना परोसा जाता है और बहुत आदरपूर्वक खाना परोसा खिलाया जाता है। लेकिन आज जैन फूड जैन के घर से ही गायब हो रहा है। हम जानकर भी अजैन फूड खा रहे हैं। हम अपने इस सुंदर धरोहर को कैसे बचाएं ताकि युगों युगों तक जैन फूड की मर्यादा को कायम रख सकें? बहुत अच्छा सवाल आपने उपस्थित किया। जैन फूड को एक अंतर्राष्ट्रीय प्रतिष्ठा प्राप्त है, पर आज जैनों के घर से जैन फूड गोल है। यह बहुत ही गंभीर और चिंतनीय बात है। यह हमारी निष्ठा की कमजोरी है, और अगर ये हाल रहा तो जैन धर्म क्या होगा? एक बार गुरुदेव ने एक बहुत अच्छी बात कही थी कि जैन धर्म को आने वाली पीढ़ियों तक बना के रखना है तो कुछ मत करो, अपने चौका को शुद्ध रख लो, जैन धर्म चलता रहेगा। आज चौका शुद्ध हो गया। बदली हुई जीवन शैली ने हमें बुरी तरह प्रभावित किया है, जिसके परिणाम स्वरूप ये स्थितियाँ दिनों दिन विकृत से विकृततर होते जा रही। हमें इसके प्रति बहुत जागरूकता रखनी होगी, और ये जिम्मेदारी जैनियों की है।
कि वे अपनी पहचान बनाए रखे। आधुनिकता की अंधी दौड़ में हम किसी का भी अंधानुकरण न करें। आहार विज्ञान की दृष्टि से जैन भोजन सबसे स्वास्थ्यप्रद भोजन है। हम उसे खुद अपनाएं और औरों को अपनाने की प्रेरणा दें। अपनी प्राथमिकताएं बदलें, तभी हम कुछ अच्छा कर सकेंगे। आइए गुणाधन के समय संरक्षक श्रीमान विमल जी सरिता सोगानी अपने परिवार के साथ रांची से अभिनंदन कीजिएगा इनका। रांची से चलकर आए और तैयार हैं श्रीमान कमल जी बागड़िया, श्रीमती मीना जी बागड़िया रामगढ़। बोलिए। सच्चे देव शास्त्र गुरु के प्रति श्रद्धान करना सम्यक दर्शन है, तो क्या धन के आने से खुशी और धन के जाने से गम होता है, तो क्या सम्यक दर्शन खंडित होता है? बहुत अच्छा सवाल है। धन पाने से खुशी और धन के खोने से गम होने वाला क्या सम्यक दृष्टि रह सकता है? आपके प्रश्न का सार देखिए, भूमिकानुरूप हर्ष विषाद सबको होता है। स्वाभाविक है, पैसा कमाओगे तो आंखों में थोड़ी चमक तो आएगी और पैसा जाएगा तो थोड़ी तकलीफ भी होगी, लेकिन वो एक सीमा तक है, तब तक कोई खतरा नहीं। पैसा कमाया और अभिमान आ गया तो तुम नीचे आ गए, और पैसा खोया और चैन खो गया तो तुम नीचे आ गए। कमा कर थोड़े हर्षित हो जाओ चलेगा, ये सोचो कि चलो आज पुण्य के योग से शुभ संयोगों से मेरे हाथ में कुछ पैसा आया है, चलो कुछ अच्छे कार्य में से लगा सकूंगा, इसका सदव्यय करूंगा। हर्ष है, चलो आज कमाई हो गई थोड़ी ज़्यादा, पंच कल्याणक में कोई ज़्यादा काम कर लेंगे, कोई बुराई नहीं है। पर पैसा कमाया बढ़िया, अब तो मैंने पैसा बहुत पा लिया, अब मेरे बराबर कोई लगेगा ही नहीं। बहुत लोग मेरे सामने अकड़ करके चलते थे, अब मैं उनको दिखाऊंगा पैसा क्या होता है। नेगेटिव अप्रोच। तो पैसा कमा के हर्षित होना बुरा नहीं, पैसा कमा करके अभिमानी होना धनांध बन जाना बुरा है, और पैसा खोने पर थोड़े से परेशान होना बुरा नहीं, पर पैसा खोने के साथ चैन खो देना बुरा है। एक सच्चा धर्मात्मा पैसा कमाता है तो ये ख्याल रखता है ये भी मेरा नहीं, और पैसा खोता है तो उसे ध्यान रहता है ये भी मेरा नहीं। बस ये चीज़ समझ के रखो, सब ठीक होगा। आइए श्रीमान कमल जी बागड़िया, श्रीमती मीना जी बागड़िया रामगढ़ से, और तैयार हैं श्रीमान अजय जी सीमा जी छावड़ा हजारीबाग से। सदगुरु के चरणों में प्रणाम। कहते हैं हाँ बोलो। आए थे तेरे दर पे सिर झुकाने के लिए, आए थे तेरे दर पे सर झुकाने के लिए, उड़ता नहीं है सिर अब वापस जाने के लिए, उड़ता नहीं है सर अब वापस जाने के लिए। महामुनिवर के चरणों में वंदन। आप में ऐसा आकर्षण क्यों है कि हम खींचे चले आते हैं? आपकी इस कठिनतम साधना का राज क्या है? कल बुद्ध पूर्णिमा है, हम लोग ने 4 साल पहले भगवान बुद्ध का ध्यान हम लोग कर रहे थे छत के ऊपर, और हमारे साथ था डिजिटल कैमरा। उसमें से जब हम लोग ध्यान में उतरे तो मेरा बेटा आसमान की तरफ उस कैमरे को करके और फोटो जब खींचा तो उसमें भगवान बुद्ध की तस्वीर आई। ये सच्ची बात है। और ध्यान की गहराई में डूबने के बाद जब बुद्ध की तस्वीर आकृति नज़र आई तो सभी आश्चर्यचकित थे। अभी इसी वक्त इस हॉल में डिजिटल कैमरे से अगर तस्वीर ली जाएगी तो अनेक आत्माएँ जिसे सोल गाइड बोलते हैं वो यहाँ पर नज़र आएंगी, जो कि धुएँ की शक्ल में गोल गोल होती है। जब हमारे शरीर से प्राण निकलते हैं तो वही धुएँ की शक्ल की शायद वो आत्माएं निकलती हैं जिसको सोल गाइड बोलते हैं, और उन्हें जो लेने के लिए आते हैं वो सैकड़ों की संख्या में हमारे पुराने पूर्वज होते हैं, जो कि उनको लेकर उसे यमदूत भी कहा जा सकता है। वो आते हैं जहाँ कहीं भी धार्मिक कार्य या उत्सव होता है तो ये दिव्य आत्माएँ उपस्थित होती है, जो कि हमारे पास
उनकी फोटोएं भी हमारे कंप्यूटर में संग्रहित है। आप कहेंगे तो कभी ला के दिखाऊंगा, इसका रहस्य क्या है। देखिए, आपने सवाल किया है आप में इतना खिंचाव क्यों है और आपके इस तपस्या का राज क्या है। आप अगर ये सवाल मुझसे कहते हो तो मैं तो इसका इतना ही उत्तर दूंगा कि मुझ में खिंचाव है, ये मुझे आपसे पता लगा, मुझे पता ही नहीं तो मैं क्या उत्तर। बोलिए प्रमाण सागर महाराज की। और एक बात सदैव ध्यान रखना, खिंचाव उसमें ही होता है जो किसी को खींचना नहीं चाहता और लोग खींचे चले आते हैं, और जो लोग खींचने की कोशिश में लगते हैं ना, लोग उससे छिटक जाते हैं। मैं कभी किसी को खींचना नहीं चाहता, न ये सोचता हूँ कि मेरे पास खिंचाव है। अब आप लोग क्यों आते वो आप जानो, ये सवाल आपको अपने आप से पूछना है, मुझसे नहीं। गुरुदेव आप चुंबक हैं, हम लोग लोहा हैं, तो ये आपका उत्तर। दूसरा, आपकी इस तपस्या का राज क्या है। देखिए, तपस्या की ताकत तो हर मनुष्य के अंदर है। जब व्यक्ति अपना लक्ष्य सामने रख लेता है, उसकी दिशा और दृष्टि बदल जाती है। जब तक मैंने अपने जीवन को नहीं जाना, मैं आप जैसे लोगों में शामिल था, जिस दिन हमने उसे जान लिया, हम जैसे साधकों ने जान लिया, हमारी दिशा बदल गई, हमें समझ में आ गया कि जीवन का असली रस कहाँ है। जिस दिन आप लोग भी समझ लोगे, अपने जीवन को निहाल कर दोगे, फिर ज़्यादा कुछ कहने और करने की आवश्यकता नहीं होगी। इसका कोई राज नहीं है, बस जीवन के रहस्य को जानना ही इसका राज है। जो जीवन की वास्तविकता को जान लेता है, उसके लिए बाकी सब चीज़ें व्यर्थ होती। दुष्यंत कुमार की ये पंक्तियाँ बड़ी प्रासंगिक है। जिंदगी पर डाल ली जिसने हकीकत की नज़र, जिंदगी पे डाल ली जिसने हकीकत की नज़र, जिंदगी उसकी नज़र में बेहकीकत हो गई। समझ, बहुत सुंदर। गुरु कृपा से हमने वो दृष्टि पाई तो फिर हम उधर लग गए। वो नज़रें आप हम सब पर भी डालें अब। बिल्कुल आ सकती है, नज़रें हम नहीं डाल सकते, नज़रें तो आपको ही डालनी होंगी। अब रहा सवाल जो आपने सोल राइट की बात की, ये जो चीज़ें हैं आज इस तरह के बहुत सारे कैमरे हैं जो इस तरह के फोटोग्राफ्स लेते हैं। जैन धर्म की दृष्टि से अगर आप बात करो तो इसे हम एक ऊर्जा का समूह मानते हैं, ऊर्जा का पिंड। इसे एक आत्मा के रूप में देखना ठीक नहीं। ऊर्जा प्रत्येक वस्तु से निश्चित होते रहते, हम आप सब से प्रति पल ऊर्जा निकल रही है, इससे छाया निकलती है। जब तक कोई प्रतिबंधक कारण नहीं दिखता तब तक वो प्रकट नहीं होती। अभी आप खड़े हैं, आपके सामने आईना आ जाएगा, आपकी तस्वीर आ जाएगी, आपका प्रतिबिंब आ जाएगा कैमरे में, आपकी पूरी की पूरी उस छवि को कैद किया जा रहा है। तो ये चलता है। अभी इसी ऊर्जा को हम अपने भावों से घटा सकते, बढ़ा सकते। व्यक्ति के ओरा को भी इससे नापा जाता है। अकॉल्ट साइंस नाम का एक साइंस है जो इसी पर पूरा का पूरा अपना विवेचन करता है। इसी के आधार पर आपने जो बुद्ध पूर्णिमा के दिन किए गए ध्यान और उस ध्यान में बुद्ध की आकृति देखी, सच्चे अर्थों में देखा जाए तो जो बुद्ध हो गए ना, वो तो अजर अमर अविनाशी हो गए, अब वो यहाँ आने वाले नहीं हैं। एक बार जो बुद्धत्व को प्राप्त कर लिया, जो सिद्ध हो गया, वो शाश्वत धाम में हमेशा हमेशा के लिए स्थिर है। हमें ये सब जो दिव्य आत्माओं के रूप में दिखती है, वो हमारी कहीं ना कहीं मन की कल्पना से जुड़ी हुई चीज़ें। जैन धर्म इन बातों को बिल्कुल मान्यता नहीं देता।
ऊर्जा का प्रवाह हो, एनर्जी का समूह हो, हम मान सकते हैं। और ये सब चीज़ें भी हमारी धारणा पर अवलंबित है। अगर व्यक्ति अच्छे भावों से भरकर ध्यान करता है तो उसके चारों तरफ बड़ी सकारात्मक ऊर्जा का वर्तुल बनता है, एक अलग प्रकार का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड तैयार होता है और वह उसे शक्ति भी देता है और वह उसे समर्थ भी बनाता है। तो ध्यान के अभ्यास से इस तरह की चीज़ें की जा सकती है। बहुत सारे लोग जब ध्यान करते हैं तो इस तरह की बहुत सारी बातें उनके अनुभव में जुड़ती। अगर ध्यान शास्त्र की गहराई को समझे तो ये सब केवल कल्पना है और धारणा, असल ध्यान नहीं है। असल ध्यान तो अपने भीतर के परमात्मा का एहसास है, शून्य अमूर्तिक रूप रस गंध स्पर्श रहित, केवल जानने और देखने रूप आत्मा की अनुभूति। जब निज से निज का संवाद स्थापित होता है तब परम ध्यान घटता है। हम लोग ऊपर की बातों को ही मानकर और उसे ध्यान जानकर अपने आप को कृतार्थ महसूस करते हैं। ये धारणा, ये कल्पना, ये समाधि नहीं है, समझ गया नहीं? तो ध्यान एकदम चित्त की सहज अवस्था जिसमें कुछ भी नहीं है, तब मजा है। गुरुदेव, हाँ, एक प्रश्न पूछना चाह रही थी, हाँ, कि अगर मंदिर जा रहे हो, हाँ, और उन्हीं को दीजिए ना माइक, कोई घायल मिल जाए तो मंदिर, आप उनको दीजिए, उनको दीजिए, आप पूछिए। हाँ, प्रणाम बाबा। जैसे मंदिर जाते हैं सुबह में, हाँ, तो कभी कभी एक घायल व्यक्ति भी मिल जाता है, हाँ, और कोई भिखारी आदमी भी मिल जाता है, तो उस वक्त क्या करूँ? जैसे ऐसे आता है, अगर सामने घायल दिख रहा है, हाँ, तो उसकी सेवा कर लो बस ना, और उसकी सेवा को भी भगवान की सेवा का एक रूप मान लो जी। और उसकी सेवा करके आप भगवान के पास चले जाओ, और बन सके तो उसको भी ले जाओ, सोने में सुगंध हो जाए। प्रणाम गुरु। जय जय। उपस्थित हों श्रीमान अजय जी, श्रीमती छावड़ा हजारीबाग से, तैयार हैं श्रीमती श्वेता जी, विवेक जी अजमेरा रामगढ़। आइए बोलिए। प्रातः स्मरणीय मेरे गुरुवर प्रमाण सागर महाराज की जय, अरे सागर महाराज की जय, नमोस्तु गुरुवर। गुरुवर, स्त्रियां ही स्त्रियों की दुश्मन क्यों होती है? देखिए, आपने एक बहुत बड़ा सच बोला है और इसका समर्थन महिलाएं ही दे रही है ना? हाँ, स्त्रियां ही स्त्रियों की दुश्मन क्यों है? एक स्वभावगत दुर्बलता है, जबकि स्त्री को स्त्री का पूरक बनना चाहिए, पर कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ ऐसी कमी रहती है जो हमारे लिए रोक देती है। हम कोशिश करें कि हम एक दूसरे के पूरक बने और एक दूसरे के प्रेरक बने। स्त्रियों में एक दुर्बलता कुछ ज़्यादा होती है, वह है ईर्ष्या, और ईर्ष्या बराबरी के लोगों से की जाती है। तो स्त्री की ईर्ष्या स्त्री से बराबरी से होगी, पुरुषों से क्या ईर्ष्या करेगी? रूप रंग चाल ढाल, वो एक स्त्री दूसरी स्त्री में देखे तो ठीक है, पुरुष से देख के क्या करेंगे? सजाती से ईर्ष्या होती, विजाती से कम। तो स्त्री की जब स्त्री से ईर्ष्या होती है तो उसी से प्रतिस्पर्धा भी होती है, उसी से प्रतिद्वंद्वता भी बनती है, उसी से द्वेष पनपता है। इसलिए स्त्री स्त्री से की दुश्मन बन जाती है। इस दुश्मनी को मिटाना है तो एक ही उपाय है, ईर्ष्या को हटाकर प्रेम को जगा लो, स्त्री स्त्री से प्रेम करने लगी। तो मूल कारण ईर्ष्या है। इस ईर्ष्या की बीमारी से हम जब तक अपने आप को दूर नहीं करेंगे तब तक रास्ता प्रशस्त नहीं होगा। बोलिए अजय जी। नमोस्तु गुरुवर। गुरुवर,
नवीन जैन से प्रमाण सागर, हर गुरु के नाम से जैन हट जाता है। कोई भी गुरु, हमारे कोई भी संत साध्वी किसी के नाम के पीछे जैन नहीं है। संत सबके होते हैं ये तो मैं समझता हूँ, पर हम लोग अपने पीछे जैन लगा के रखते हैं, शायद हम भूल ना जाएं कि हम जैन हैं। ऐसा क्या करें कि हमारा जैन होना हम सार्थक हो? हाउ डू आई कॉन्ट्रीब्यूट? बहुत अच्छा सवाल आपने किया है। किसी संत के नाम के साथ जैन नहीं रहता, पर उनके भक्तों के साथ जैन लिखा रहता है। ऐसा क्यों, और हम ऐसा क्या करें कि अपने जैनत्व को सार्थक करें? पहला सवाल आपका कि हम जैसे संतों के नाम के साथ जैन क्यों नहीं? इसलिए कि संत किसी एक समुदाय का नहीं होता, संत पूरी मानव जाति का होता है। आज आप लोग मुझे जैन साधु के रूप में मानते जरूर हो, पर मैं अपने आप को केवल एक साधु मानता हूँ, जैन तो आपने लगा दिया। और इसका दूसरा दृष्टिकोण ये भी है कि संत को जैन कहने की ज़रूरत नहीं है, उसका कर्म उसे जिन बना देता है, तो जैन तो बहुत छोटी चीज़ है। संत के कर्म से संत का धर्म दिखता है। आप लोगों के साथ जैन शब्द इसलिए लगाया जाता है ताकि आपको अपने धर्म का एहसास होता रहे। मैं जैन हूँ इस बात का हर पल एहसास करो, ताकि कभी जैनत्व से बाहर ना हो सको। समझ गए? तो अपनी गरिमा का बोध कराने के लिए तुम्हारे साथ जैन लगाया, अभिमान पालने के लिए नहीं। तो तुम जैन लिखते हो तो हर पल इस बात का बोध रखो कि मैं जैन हूँ, तो मुझे जैनत्व को अपने जीवन में घटित करना है। विडम्बना ये है कि आजकल नाम के जैन हैं, काम के जैन कम। तुम जैन हो तो जैनत्व तुम्हारे जीवन में दिखे, ये तुम्हारी जिम्मेदारी। अपनी पहचान को खंडित मत करो, तुम्हें देखकर लोग समझ जाए ये जैन है, ये तुम्हारा आचार है, ये तुम्हारा विचार है, और ऐसा तुम्हारा व्यवहार है, तो जीवन का पथ प्रशस्त। नमस्ते। आइए श्रीमती श्वेता जी, विवेक जी अजमेरा, और तैयार है कमल जी सेठी। नमोस्तु गुरुवर, गुरुवर के चरणों में बारंबार नमोस्तु। महाराज जी, ऋषि मंडल का क्या महत्व है? ऋषि मंडल यंत्र की बात कर रहे हैं? ऋषि मंडल, ऋषि मंडल व्रीम और यंत्र। देखिए, ऋषि मंडल मूलतः ऋषि मंडल मंत्र है, 27 अक्षरी मंत्र, जो ऋषियों के मंडल यानी समूह का नाम है। तो उसके ध्यान की भी व्यवस्था है। ओम राम भीम ह्रूम ह्रूम रेम रेम रह सिया उषा ह्रीम स्वाहा, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राय नमः ह्रीम स्वाहा। ये मंत्र तो अपने आप में ठीक है। कालांतर में ऋषि मंडल के साथ देवी देवताओं को जोड़ दिया गया। ये मूल जैन आगम के अनुकूल नहीं, इसलिए हम लोग उसे ज़्यादा महत्व नहीं देते। आप ऋषि मंडल की जगह भक्तामर स्तोत्र पढ़ लें, आपको ज़्यादा लाभ मिले। आइए कमल जी सेठी। कमल नहीं है, कोमल है। कमल जी सेठी, कोमल जी, कमल लिख के भेजा। कोमल जी सेठी उपस्थित हो, तैयार हैं संस्कार जी जैन बनगांव दमोह से। निहाल भी साथ में। नमोस्तु गुरुवर, नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। जैसा कि अभी थोड़ी देर पहले ही 2-3 प्रश्न ऐसे हुए कि हमें कैसे जैनत्व संभाल के रखना चाहिए, इसी संदर्भ में मेरा एक प्रश्न है। मेरे परिचय में महाराष्ट्र एक युवती है जो श्रावक के अष्टमूल गुणों का पालन करती है। वो रात में भी नहीं खाती है, आलू प्याज लहसुन भी नहीं खाती है, लेकिन अब उसके विवाह में ये गुण उसके दुर्गुण बन गए हैं। आज उसका विवाह होना थोड़ा सा मुश्किल का विषय बनता जा रहा है, तो इस विषय में आपके विचार जानना। देखिए, बहुत ही लज्जा की बात है, जिनको देखकर हमें गर्व करना चाहिए, आज उनके ही सामने विवाह की समस्या आ रही है, इससे बड़ी विडम्बना क्या हो। अरे, एक जैन आचार का पालन करने वाले को तो हमें चुनाव करते समय सबसे पहली प्राथमिकता देनी चाहिए।
लेकिन ऐसा आजकल देखने में आने लगा है। लोग इतने आधुनिक हो गए हैं कि इन सब चीज़ों को अप्रासंगिक मानने लगे। अरे वो तो बहुत धर्मात्मा, उनके यहाँ हम शादी कैसे करें। दारू पीने वाले को अपनी बेटी दे दोगे, नाच घर में जाकर नाचने वाली से शादी कर लोगे, लेकिन शुद्ध आचार विचार करके घर को स्वर्ग बनाने वालों से संबंध करने में चुकोगे, इससे बड़ी विडम्बना और क्या हो। इस विडम्बना को ख़त्म करना चाहिए। मैं तो कहूँगा ऐसे संबंधों को प्राथमिकता देनी चाहिए। पर आपने लड़की की बात की, मेरे संपर्क में ऐसे बहुत से लड़के भी हैं जिनको लड़कियाँ नहीं मिल रही, उनके मैच की। मैं तो कह रहा हूँ इस कार्यक्रम को देख सुनकर संपर्क करो, ऐसे लोगों को ऐसी जोड़ी मिले, ताकि धर्म पलता रहे, लोग आगे बढ़ सके। समाज किस दिशा में जा रहे हैं? एक तरफ आप गुरुओं की भक्ति करते हैं, एक तरफ आप मुनियों की जय जयकार करते हैं, एक तरफ आप इतने बड़े बड़े प्रभावना के कार्य करते हैं, और अपने आचरण में ऐसी गिरावट कि शादी विवाह करने के लिए भी संकोच करने लगे। ये घोर निंदनीय बात है, इसे बदलना चाहिए। और मैं चाहूँगा इसकी शुरुआत सारे गुरु भक्त करें, वे अपने घर में ये सुनिश्चित करें कि हमारे घर में शुद्ध जैनाचार पलेगा।